सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद थ्री फ्रेंड्स। और गाइज, आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं मेज रनर गेम। ठीक है, इसको मेज रनर गेम नहीं कहूंगा पर मेज गेम जरूर कहूंगा। तो आज दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में भी मैं और कृष्ण साथ में थे, इस वीडियो में भी मैं और कृष्ण साथ में ही है। हम लोग का तीसरा फ्रेंड कहाँ आ नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत दूर रहता है। तो अभी तो हम दोनों साथ में बनाएंगे, वो अकेला। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम लोग ने इधर, तो गाइस हमने पहले से ही हमने ये सब लेके रखा है। हम लोग इसका जो ये जो इमेज है ना, इसकी ये मेज की, उसकी हम इमेज डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक। ठीक है, तो चलो गाइस अभी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारा एक ही कोड रहेगा, प्लेयर के में ही हमारा कोड होगा, जो भी हमारा कोड होगा। ठीक है, तो चलो। तो पहले गाइस हम ले लेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड वाला। तो कृष्ण ने एक बात नहीं कही, आपको ये टिक दिख रहा होगा, ये टिक वाला स्प्राइट, तो हम लोग का गोल है, उसको टच होते ही गेम जीत जाएंगे हम लोग। और गाइस, वो बनाने के लिए सिंपली आपको इधर जाके, इधर ड्रॉप पेंट में जाके सीधा इधर से ही कर देना। ठीक है, इधर से भी आप कर सकते हो, इधर पेंट। ठीक है, आपको जो भी कम्फर्टेबल। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड वाला ब्लॉक ले लिया है। अभी हम लोग लेंगे गो टू एक्स एंड वाई वाला ब्लॉक, जो कि हमें मोशन में मिल जाएगा। ठीक है, और पोजीशन में मुझे अभी यही रखनी है। ठीक है, यही पोजीशन होनी चाहिए आपकी भी। अब आपको लेना है फॉरएवर वाला ब्लॉक। ठीक है, जो कि आपको कंट्रोल में मिल जाएगा ये। और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये गो टू एक्स 30 और वाई माइनस 68 क्या है, तो वो है कैट स्प्राइट, कैट स्प्राइट की पोजीशन। तो जब भी हम लोग ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे खेलने के लिए, तो वो जिधर भी होगा पूरे मेज में, वो उसी जगह पे पहुंच जाएगा, उसी एक्स 30 पे पहुंच जाएगा। जब अगर आपका इधर आपका जैसे आप भटक गए, ठीक है, फिर आपको ऐसे रास्ता याद नहीं है कि आप जहाँ पे गए थे। ठीक है, तो आप फिर से आप रीसेट करने जाओगे ना, ये ग्रीन फ्लैग वापस अगर आप क्लिक करोगे तो आपका वापस से शुरू हो जाएगा इधर से। ठीक है, इसलिए आपको यही पोजीशन रखनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपका इधर होगा स्प्राइट, इधर होगा तो नहीं चलेगा। अभी आपको लेना है इफ देन वाला ब्लॉक। ठीक है, ये वाला, इसके अंदर डाल देना है फॉरएवर के। इधर अभी आपको सेंसिंग वाला लेना है कि दिस प्रेस्ड। ठीक है, तो इधर आपको, अभी तो मैं अप एरो रख रहा हूँ, आप कोई भी रख सकते हो। आपको अगर डब्ल्यू ए एस डी फाता है वो आप रख सकते हो, हमें एरो कीज ज़्यादा फाती है तो हम एरो कीज रख रहे हैं। ठीक है, अभी आपको लेना है मोशन में जाके चेंज वाई बाई। ठीक है, चेंज वाई टू, सेट वाई टू नहीं, चेंज वाई बाई। इधर 10 की जगह आपको डाल देना है 4। ठीक है, 4। इधर अभी आपको लुक्स में जाके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक लेना है और इफ देन के अंदर इसके नीचे डाल देना है। अभी आपको और एक इफ देन का ब्लॉक लेना है। ठीक है, अब इसके नीचे डाल देना है आपको ऐसे। देखिए, मैं आपको कह देता हूँ कि इफ देन का ब्लॉक आपको नीचे डालना है, ऊपर नहीं डाल देना है, ऐसे अंदर नहीं डालना है, नीचे इसके डालना है। हाँ, तो आपको आपको ऐसे अंदर ही डालना है, नीचे इससे गलती होगी, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी होगी थोड़ी सी। अभी आपको लेना है टचिंग कलर वाला। नहीं, टचिंग कलर वाला नहीं लेना है, आपको लेना है टचिंग माउस पॉइंटर वाला ब्लॉक। हाँ गाइस, तो इस ब्लॉक से मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा और इसको मेज कर देना है। तो गाइस, इस ब्लॉक से क्या होगा कि जब भी हमारा जो कैरेक्टर है वो जब इसको टच करेगा ना, उसको बॉर्डर को, तो बॉर्डर का जो वो है मेज, तो हमने इसको पहले से ही क्रॉप करके रखा था, तो इससे क्या होगा कि, तो इससे क्या होगा कि वो स्टॉप, मतलब ऐसे हो जाएगा, चेंज बाय माइनस 4 हो जाएगा। चेंज बाय माइनस 4 मतलब जब भी वो मेज के वायर, मेज को टच करेगा तब भी वो आगे बढ़ना स्टॉप कर देगा, माइनस 4 का मतलब वो होता है। अब गाइज, आपको कंट्रोल में जाके ले लेना है इफ देन वाला ब्लॉक और इसके नीचे डालना है ये। इधर आपको बहुत गलती हो जाती है डालने। ठीक है, ये वाला डाल देना है इधर। अब आपको लेना है वापस से की प्रेस्ड वाला। ठीक है, ये वाला की दिस प्रेस्ड। अब मैं कर रहा हूँ डाउन एरो।
आपको इतना सब कुछ नहीं करना हो तो आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे भी डुप्लीकेट नहीं करना है क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी आपको लेना है चेंज वाई वाई वाला ब्लॉक। ठीक है, और इस बार आपको इधर माइनस फोर रखना है। पहले हमने फोर रखा था लेकिन इधर अभी हम माइनस फोर रखेंगे। और अभी आपको वापस से लुक्स में जाके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक ले लेना है। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अभी वापस से हमने जो लास्ट टाइम जैसे लिया था एफजेन वाला ब्लॉक और इसके नीचे डाल दिया था, सेम कर देना है। अब वापस आपको टचिंग वाला ले लेना है, सेंसिंग में जाके टचिंग माउस पॉइंटर की जगह आपको कर देना है मेज। और इधर आपको ले लेना है वापस से चेंज वाई वे, लेकिन इधर चेंज वाई वे में फोर करना है, इधर अपोजिट होगा लास्ट टाइम से। ठीक है, इसके अंदर डाल देना है ये से, इसको हमने कर देंगे फोर। ठीक है, इस तो इतनी कोडिंग अभी मैंने कर ली, अभी बाकी की जो कोडिंग है वो धीरे करेगा। तो चलो भाई दिए आ जाओ। हाँ, तो ऋषियों ने इतने कोड तो डाल दिए, अब मैं आगे का कोड डालने वाला हूँ। तो ऋषियों ने आपको थोड़ा बहुत समझा भी दिया है, अब आगे का मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको पहले कंट्रोल्स में जाके इफ देन वाला ब्लॉक लेना है, जैसे कृष्ण ने कहा आपको नीचे ही डालना है वो, क्योंकि अब हम लोग दूसरे की कोडिंग करने वाले हैं। तो बाद में सेंसिंग में जाके की स्पेस प्रेस लेना है, तो स्पेस की जगह हम लोग कर देंगे राइट एरो प्रेस्ड। तो अब हम लोग पहले हम लोग वाई ले रहे थे क्योंकि वो अप डाउन पोजीशन थी। मैंने इसके पहले के वीडियो में समझाया था एक्स मतलब लेफ्ट एंड राइट और वाई मतलब अप एंड डाउन, तो वाई पोजीशन थी अप एंड डाउन। तो अब हम लोग एक्स लेंगे, एक्स मतलब राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि इधर राइट एरो चूज किया है तो हम लोग को राइट जाना है। तो हम लोग इधर एक्स लेंगे, तो हम लोग इधर लिख देंगे फोर, ये हो गया फोर। अब हम लोग साउंड्स में जाके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक लेंगे। तो ऊपर की कोडिंग थी वैसे ही सिमिलर है, पर खाली इधर राइट एरो और इधर एक्स हो गया है, बस इतना ही फर्क है इसमें। तो अब कंट्रोल्स में जाके इफ देन वाला ब्लॉक लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। अब इफ देन, अब सेंसिंग में जाके टचिंग मेज लेना है। तो अब जब मेज को लेंगे तो उसके अंदर डाल देना है चेंज एक्स बाय माइनस फोर, मतलब वो आगे ही नहीं जाएगा। ये रहा चेंज एक्स बाय, आपको सेट एक्स बाय नहीं लेना है तो वो बराबर काम नहीं करेगा। ये रहा माइनस फोर, ये माइनस फोर डाल दिया। अब कृषि ने तो डुप्लीकेट नहीं किया, अब तो मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि उसमें पूरा वो बिगड़ जाता है गेम कभी कभी, मैंने ऐसा ट्राई किया है तो वो बिगड़ गई थी, तो मैं भी वैसा नहीं करूँगा। तो अब मैं फिर से एक इफ देन वाला ब्लॉक लूँगा, इसको ऐसे नीचे रख दूँगा। बाद में इफ देन सेंसिंग में जाके टचिंग राइट एरो किया, सॉरी टचिंग नहीं लूँगा, सॉरी अब की स्पेस प्रेस लूँगा। तो पहले हम लोग ने राइट एरो किया था तो अब लेफ्ट एरो करेंगे। तो हम लोग ने राइट एरो में चेंज एक्स बाय फोर किया था, तो इस बार चेंज एक्स बाय माइनस फोर कर देंगे। ये ना माइनस फोर। अब लुक्स में जाके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लेंगे और उसको चेंज एक्स के नीचे डाल देंगे। अब कंट्रोल में जाके इफ देन लेंगे और इसको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम के नीचे डाल देंगे। और अब लेंगे टचिंग मेज, इधर माउस पॉइंटर है, आपको सिंपली माउस पॉइंटर पे क्लिक करना है तो आपके जो स्प्राइट्स है वो आ जाएंगे। तो मेज चूज कर लेना है आपको। हम लोग ने सबको पहले से ही इसको कर दिया है रीनेम, तो हम लोग ने इसको रीनेम कर दिया। मैंने कैट को प्लेयर का नाम दे दिया है, मेज को मेज दे दिया है और इसको टिक को गोल दे दिया है। तो अब हम लोग इसकी कोडिंग चालू करेंगे इफ टचिंग मेज, सो चेंज एक्स बाय फोर, चेंज एक्स बाय फोर ले लेना है। ये हो गया फोर, अब फोर हो गया। अब हम लोग का बहुत थोड़ा ही कोड बाकी है, तो अब हम लोग फिर से कंट्रोल्स में जाके इफ देन ब्लॉक लेंगे। अब इस बार
हम लोग की कोई एरो, आप सोच रहे होंगे एरो की तो खत्म, अब क्या डालने वाले हैं, तो अब ये दूसरे का है। ये अब आपको बोला था हम लोग ने स्टार्टिंग में कि गोल को टच होगा तो हम लोग जीत जाएंगे, तो अब उसकी कोडिंग डालेंगे, तो टचिंग गोल देन तो मुझे एक, अब मैं एक कॉस्ट्यूम बनाऊंगा यू विन का, तो वो कॉस्ट्यूम पेंट करने के लिए मैं पेंट्स में जाऊंगा, पेंट्स में नहीं सॉरी, तो मैं मेज में ही जाऊंगा, तो इसके कॉस्ट्यूम्स में मैं और एक कॉस्ट्यूम डुप्लीकेट कर दूंगा। ये डुप्लीकेट हो गया, अब मैं कन्वर्ट टू वेक्टर कर दूंगा, कन्वर्ट टू वेक्टर ही है ना, खाली एक बार चेक कर लेते हैं, बराबर ही है। तो अब मैं इधर टेक्स्ट डालूंगा गेम ओवर, सॉरी गेम ओवर नहीं, यू विन, वाई ओ यू डब्ल्यू आई एन यू, ओके आ नहीं रहा था इधर, तो मैं और एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ, यू विन, तो ये तो ग्रीन में आ रहा है, मुझे ग्रीन कलर चाहिए ही नहीं है, मैं ब्लैक एक बार करके देखता हूँ, तो मेज का कलर भी ब्लैक ही है तो बराबर दिख नहीं रहा, तो मुझे कोई और कलर ही सोचना पड़ेगा। अब मैं रेड में भी कर, मुझे रेड बराबर लग रहा है, पर रेड भी नहीं कर सकते, तो मैं रेड ही रख देता हूँ, बराबर ही लग रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करके, नहीं नहीं मुझे इसकी साइज बड़ी करनी है, तो ये माउस पॉइंटर पे जाके ये यून की साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ये हो गया यू वेन, ये हो गया। तो अब कोड्स में जाके प्लेयर में इफ टचिंग गोल देन, तो अब इसमें तो ये कोड आएगा नहीं क्योंकि मैंने एक अलग से स्प्राइट ऐड किया है, तो इधर तो हम लोग की कोडिंग खत्म हो, मतलब जब भी सॉरी, तो इधर इफ देन वाला ब्लॉक डालूंगा, सेंसिंग में जाके टचिंग गोल देन, इधर जाके ब्रॉडकास्ट मैसेज हम लोग डालेंगे, जिसका नाम रखेंगे हम लोग यू विन, ये यू विन रख दिया, तो इधर तो एक सब खत्म। अब मेज में जाके हम लोग को एक कोड डालना पड़ेगा कि व्हेन आई रिस, पहले तो व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो इफ आई रिसीव यू विन, तो इधर जाके स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप टू, बैकड्रॉप टू नहीं, स्विच कॉस्ट्यूम। तो गाइस इधर आपको बैकड्रॉप लेना है, अभी हम एक और बैकड्रॉप ऐड करेंगे जिसमें से रेनबो जैसा कुछ ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये इसको मैं जरा रीनेम, इसको मैं रीनेम करना भूल गया था, तो लेट्स रीनेम इट, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, बहुत बड़ा है इसका नाम, तो हाँ तो अब इसका नाम रख देते हैं, इधर भी मेज रखना पड़ेगा, ये हो गया, बाद में इधर भी जाके ये सब डालना पड़ेगा, डिलीट, ये डिलीट हो गया, इधर मैं डालूंगा मेज टू, ये हो गया। तो अब इधर कोड में जाके स्विच बैकड्रॉप टू नहीं, स्विच कॉस्ट्यूम टू मेज टू, इतना था मेरा कोड सुलसी नाम। तो अब मैं करूँगा व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, सो लुक्स में जाके स्विच कॉस्ट्यूम टू मेज वन, हली मेज सॉरी मेज। तो अब हम लोग इसको खेल के देखते हैं एक बार, ये किया ये हो गया, अब मैं इसको अपैरो करता हूँ, मुझे लगता है कैट की स्प्राइट बहुत बड़ी है, मतलब कैट बहुत बड़ी हो गई है तो वो हिल ही नहीं रही है, तो इसको 180 से मैं, सॉरी ये तो
ये तो मेरा था। अब प्लेयर में जाके 30 से मुझे 20 करना पड़ेगा, मतलब इतना छोटा स्प्राइट आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेज उतना बड़ा है। तो ये जब ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे, ओके ये ऊपर गया, ये बाजू बाजू में जा रहा है धीरे धीरे से। ये आपको दबा के करना पड़ेगा ऐसे, एक एक बार दबाना है और फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये अब नीचे जाना है, हम लोग को तो रोड पहले से पता है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग ने बना चुके हैं, बाद में हम लोग ये सब वीडियोस डालते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको यू वेंट करके दिखाता हूँ एक बार। ये हम लोग पहुंच ही रहे हैं बस, ये टच किया और और यू यू विन। वेंट। तो ऐसी थी हम लोग की गेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस। हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।